सुनवाई की जानी है। और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि लगातार दबाव और आंदोलन से बंगाल सरकार पर जबरदस्त इस दबाव का असर दिख रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा इस समय की बड़ी खबर आ रही है। प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और उसके बाद उसकी हत्या का जो मामला है उसको लेकर के आज देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। गुस्सा काफ़ी है, साथ ही डॉक्टर्स में इमरजेंसी सेवाएं हालांकि चालू रहेंगी क्योंकि उन्हें मरीज का भी ध्यान रखना है, लेकिन जो गुस्सा है उसको लेकर के आज हड़ताल की गई है। और कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टर्स में खासा आक्रोश है। मेडिकल छात्रों के संगठन फोर्डा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। डॉक्टर्स की ये भी मांग है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। फोर्डा ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर्स और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर पर तैनात जूनियर डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। और इस पूरे मामले पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, हड़ताल का ऐलान किया गया है, लेकिन इस समय अस्पतालों की स्थिति की अगर बात की जाए तो किस तरह के हालात हैं, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही गई है। नितेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आज डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और समझा जो रेजिडेंट डॉक्टर है फोर्डा के अंदर इन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है पूरे देश भर में। और जो रेजिडेंट जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी जी, बोलें। तो नितेंद्र हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, आपसे ताज़ा हालात जानना चाहेंगे। जी तो आपको बता दें कि आज डॉक्टर्स में खासा आक्रोश है। फोर्डा से जुड़े हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब अपनी मांगों को लेकर के काफी आक्रोशित हैं। देर पहले वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से उन्होंने मुलाकात की है और अपनी चार सूत्री मांगों को रखा है, जिसमें प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की बात थी, सीबीआई इंक्वायरी की बात थी और भविष्य में इस तरह की घटना है। तो नितेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे कि चार सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर के हड़ताल की जा रही है। डॉक्टर्स काफ़ी आक्रोशित हैं, न्याय की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पर इस तरह के हालात की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देश भर में इस तरह